फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्रैवल सीरीज ऑफ देसी ट्रैवल जोन। तो इस बार हम जा रहे हैं एक नई कंट्री। कोई गेस है आपके पास, कहाँ जा रहे हैं हम? एनी गेस, कुछ भी? यस, हम जा रहे हैं वियतनाम। वेट अ मिनट। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया श्रीलंका और मैं आपको वियतनाम की वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ। तो घबराइए नहीं, हम श्रीलंका में ही हैं। एक्चुअल में सीन ये हुआ हमारे साथ कि हम वियतनाम के ट्रिप पे गए थे। 10-11 दिन का हमारा ट्रिप था और वहाँ से लौट के हम कोलकाता वापस आए, लेकिन कोलकाता से अचानक ऐसे ही बैठे बैठे मन कर गया कि चलो भाई, अभी तो छुट्टी है, कुछ दिन और के ट्रैवल प्लान कुछ बना लेते हैं। तो ऐसे ही मुझे चेन्नई आना था, चेन्नई का कुछ काम था मुझे 2-3 का। तो फिर हमने प्लानिंग किया कि चलो वहाँ से श्रीलंका चलते हैं, क्योंकि श्रीलंका में आप जान रहे हैं गाइस कि अभी बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो भी यहाँ से भाग गए हैं, बाहर फ्ले कर गए हैं, वो सिंगापुर चले गए और वहाँ से उन्होंने ईमेल के ज़रिए अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है। तो कंट्री में बहुत दिक्कतें चल रही है, तो हमने सोचा कि चलते हैं, थोड़ा ग्राउंड पे देखते हैं रियलिटी क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह क्या थी और क्यों ऐसा हुआ है। तो हम पहुँच गए हैं गाइस श्रीलंका एयरपोर्ट, कोलंबो के एयरपोर्ट पर अभी हम खड़े हैं। तो थोड़ी सी फ़्लाइट्स और वीज़ा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ वीज़ा के लिए आपको ETA लेना पड़ता है, तो ETA के लिए $20 लगते हैं और जो टाइम है वो आपको 2-4 घंटे के अंदर में आ जाता है वर्किंग आवर में, अगर आप मॉर्निंग 9-6 के बीच में अप्लाई करते हैं तो। और फ्लाइट के टिकट जो हमें पड़ी वो हमें कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलंबो, वापस कोलंबो टू चेन्नई और चेन्नई टू कोलकाता। तो ये हमने बहुत सारी डील लगाई, बहुत सारी कूपन वूपन लगा के 23,500 के हमारा ये फ़्लाइट आया है और 1645 रुपये जो कि $20 होते हैं वो हमारे ETA के वीज़ा चार्जेस आए हैं। तो ओवरऑल 25,000 हमारा ये एंट्री का चार्जेस लग गया है। हम यहाँ आए हैं, अभी 4.55 का इंटरनेशनल करेंसी रेट चल रहा है INR टू LKR, लेकिन हमने जो एक्सचेंज रेट यहाँ पे मिला वो 4.2 का मिला। अगर हम ATM से भी निकालते हैं तो हमें 7% का वो डिडक्शन वहाँ ATM में हो रहा है, तो अप्रोक्स मिला जुला के सेम ही रेट पड़ रहा है। तो हमने यहाँ एयरपोर्ट पे ही कुछ इंडियन करेंसी थी हमारे पास, 3-4 हज़ार रुपये पॉकेट में पड़े हुए थे, तो हमने उसको फ़िलहाल एक्सचेंज कर लिया क्योंकि टैक्सी वैक्सी करनी है तो होटल तक जाने के लिए। अब यहाँ से बात आती है सिम की। तो किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो आप जानते हैं गाइस कि सिम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको डायलॉग के SLT मोबाइल है, एयरटेल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पीछे ये काउंटर्स आप देख सकते हैं, ये अपना एयरटेल इंडिया का, ये भी है यहाँ पे अवेलेबल। तो आप यहाँ से सिम, सबसे पहला काम करें कि सिम ले सकते हैं। और सिम के जो चार्जेस आ रहे हैं वो मैं पता कर लेता हूँ। वैसे जो उन्होंने बताया है कि 1200-1200, और डिपेंड करता है कि आपके डेटा यूजेस क्या है, उस पर यहाँ के चार्जेस डिपेंड कर रहे हैं। और बाहर से हमने उबेर भी चेक किया है, हमारा हॉस्टल जो है अप्रॉक्स 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसके लिए 1800 लंकन रुपीज़ ये डिमांड किया है, इन्होंने चार्ज किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अभी और आगे क्या सिचुएशन होता है, बाहर निकलने के बाद पता चलेगा कि कैसा कंडीशन है यहाँ का, और अपडेट मैं आपको करता रहूँगा। लाइव रिपोर्टिंग ग्राउंड से मैं कर रहा हूँ श्रीलंका से। तो गाइस, दिन के 3 बज रहे हैं, हम सुबह 4 बजे के अप्रॉक्स में एयरपोर्ट से होटल पहुंचे थे। हम लोगों ने ग्लोरिया मैथ्यू गेस्ट हाउस बुक किया था जो कि अप्रॉक्स $10 लगे थे हमें booking.com से बुक करने में। उसके बाद वी वॉज हंग्री, सो हमने फूड ऑर्डर किया पिकमी से। तो एग करी राइस ये अप्रॉक्स 500 लंकन रुपीज़ में चार्ज किया होटल वालों ने, और हमने होम डिलीवरी सर्विस मंगाई थी तो 130 लंकन रुपीज़ ये डिलीवरी चार्जेस थे। तो खाना आ गया हॉस्टल पे, हम यहीं बैठ के हमने खाना खा लिया। उसके बाद हमने एक रेंट अ बाइक किया, क्योंकि यहाँ पे लोकल एक्सप्लोरेशन के लिए बेहतर है कि अगर आप बाइक या कार रेंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने 1750 लंकन रुपीज़ यहाँ के पे किए हैं एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए हमने बुक किया है तो 3500 हम लोगों ने पे किया है। तो अब प्लान ये है कि खाना हो गया, थोड़ी बारिश हो रही थी, बारिश भी रुक गई है, थोड़ी धूप हो गई है, तो हम निकलते हैं थोड़ा यहाँ के जो बीचेस हैं नज़दीक में, तो हम बीचेस थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कैसे हैं यहाँ के बीचेस।
फ्रेंड्स हम बीच की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में निगम्बो का एक बहुत ही हॉट स्पॉट है, बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है, बुद्धा टेम्पल। तो हम आ गए हैं बुद्धा टेम्पल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ महात्मा बुद्ध की बहुत ही बड़ी स्टैच्यू लगी हुई है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो में देख सकते हैं हम पेट्रोल पंप पे हैं, हमने स्कूटी रेंट पे ली थी और पेट्रोल लेने के लिए हम पेट्रोल पंप पर आए थे। तो एक्चुअल में सीन ऐसा है यहाँ पर कि इन्होंने एक क्यूआर कोड डिमांड किया है, जो क्यूआर कोड तो हमारे पास है नहीं, वो एक आईडी के थ्रू होता है। हमें तो जो वहाँ जहाँ से हमने स्कूटी रेंट पे लिया था तो उन्होंने बताया था कि आप नॉर्मल पेट्रोल पंप पे जाएंगे, पासपोर्ट दिखा के आपको पेट्रोल मिल जाएगा। तो फिर मैंने, मेरे पास नंबर था उस टूर एजेंसी का जहाँ से मैंने बाइक रेंट पे लिया था, तो वो मैंने नंबर दिया इन्हें, तो ये बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं वहाँ। तो फिर देखते हैं पेट्रोल कैसे मिलता है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ दिक्कत है वो है फ्यूल की, पेट्रोल की। सो गाइस पेट्रोल तो मिल नहीं रहा था विदाउट क्यूआर कोड के, लेकिन फिर एक हमें भाई साहब मिल गए श्रीलंकन ब्रदर, इन्होंने हमारी हेल्प की है एंड एक लीटर पेट्रोल हमें मिल गया 450। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, थैंक यू एक्सट्रीमली। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं निगम्बो बीच, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, 200-400 के करीब अप्रॉक्स लोग आए हुए हैं, जिसमें से कुछ फॉरेनर्स भी हैं, कुछ इंडियन टूरिस्ट भी हैं। तो धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो रहा है, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि चलो कंडीशन स्टेबल है, आप जा सकते हो। बीच बहुत ही खूबसूरत है, बहुत लंबा कोस्टल लाइन है, तो यहाँ स्विमिंग का बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए गाइस एंजॉय करते हैं, हम भी थोड़ा स्विमिंग करते हैं। तो फ्रेंड हम बीच पे खड़े हुए थे और यहाँ एक फैमिली मिल गई है हमें, ये सूडान से हैं। तो हेलो, हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज सादिक। सादिक, या सादिक, सादिक, या यू केम हियर विद योर फैमिली? या, दिस इज फ्रॉम सूडान। यस, वन डॉटर एंड टू सन। वन डॉटर एंड टू सन एंड वाइफ, दैट्स माय। सो दिस इज द फैमिली हॉलिडे दे आर डूइंग। या,